नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और खास वीडियो रेशन प्रोपोर्शन पे, या जैसे हम कहते हैं अनुपात एवं समानुपात, यानी मैथमेटिक्स का एक वीडियो है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, साथ ही साथ पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं मैंने, पूरा टॉपिक कवर अप कर लिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण यानी एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और लास्ट देखोगे तभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे रेशियन प्रोपोर्शन के टॉपिक से। तो पहले हम कुछ देखेंगे इसके बेसिक जानकारी, यानी एकदम बेसिक जो नॉलेज है वो थोड़ा सा हम देखेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज इसमें यूज़ होते हैं वो हम पहले जानेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अनुपात ए रेस टू बी, यानी ए अनुपात बी को में प्रथम पद ए को पूर्व पद यानी एंटीसीडेंट और दूसरे पद बी को उत्तर पद यानी कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये बेसिक जानकारी थोड़ी थोड़ी दे रहा हूँ ताकि आपको इसका बेसिक नॉलेज हो जाए। और दूसरा पॉइंट है, यदि दोनों पदों को बदल दिया जाए तो उसे विलोमानुपात कहते हैं। ठीक है, यानी इंटरचेंज कर दिया जाए तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। नीचे हमारे पास कुछ इसमें फॉर्मूलाज है इंपॉर्टेंट जो आपके आगे यूज आएंगे बहुत सारे, लिख लेना ये वाले। यदि किसी संख्या एक्स को ए रेस टू बी के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया जाए तो दोनों भाग कौन कौन से होंगे। प्रथम भाग कैसे निकालेंगे हम, ये एक्स है मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन ए प्लस बी, और दूसरा भाग निकालना हो द्वितीय भाग तो एक्स मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए प्लस बी, ये फॉर्मूलाज है। ठीक है, नीचे एक टाइप और है, यदि किसी दी हुई राशि को तीन अनुपातों एक्स वाई और जेड में बांटना हो। तो ऊपर वाला तो था दो दो भाग में बांटना हो, नीचे वाला है अगर तीन भाग में बांटना हो तो क्या करोगे। प्रथम भाग निकालना हो तो x यानी x जो इसका फर्स्ट है अपॉन तीनों का जोड़, यानी तीनों को जोड़ दो नीचे, x प्लस वाई प्लस जेड गुणा कर देना है जो ओरिजिनल राशि है जो पहले से आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वही चीज़। उसी तरह से द्वितीय भाग में y ऊपर आ जाएगा, तृतीय भाग में z ऊपर आ जाएगा, बाकी एज इट इज तीनों फॉर्मूला सेम रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसके, वीडियो पॉज करके। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है दिए गए दो अनुपातों एक्स वाई का मध्यानुपाती उनके गुणनफल का वर्गमूल होता है, अतः एक्स वाई का मध्यानुपाती अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, यानी उनके वर्गमूल जो होगा कोई भी वैल्यू अगर आपको गिवन है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, एक्स और वाई अगर आपके पास दो वैल्यू गिवन है और कह रखा है आपको कि इन दोनों का मध्यानुपाती निकालो, तो कैसे निकालना है, दोनों वैल्यूज को क्या कर देना, मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट निकाल देना, सीधा सा है ये, हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। अगला पॉइंट देखिए, जब चार राशियाँ पी क्यू और आर एस समानुपाती है, मतलब कैसे, तो इनको कैसे लिखेंगे हम, पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस, इस फॉर्म में ये लिखा जाता है, या फिर किस फॉर्म में लिखा जाता है, पी एस यानी कि ये दोनों वैल्यूज, ये अगर इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, क्यू अगर इधर जाएगी तो आर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल्स टू क्यू आर, अतः इनके बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल्स टू मध्य पदों का गुणनफल, यानी सीधा सा बता देता हूँ कैसे, पी को मल्टीप्लाई कर देना है एस के साथ, क्यू को मल्टीप्लाई कर देना है आर के साथ। कभी अगर इनमें से वैल्यूज़ क्या होता है कि चार चार वैल्यू है आपके पास पी क्यू आर एस, कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है तो इसी टाइप से हम इसको निकालते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, नीचे है आपका कंपाउंड रेशियो यानी मिश्र अनुपात। अब क्या है ये चीज़, ये देखिए, यदि दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों का परस्पर गुणा करने करके नया पूर्व पद और उत्तर पदों को परस्पर गुणा करके नया उत्तर पद बनाया जावे तो वह अनुपात मिश्र अनुपात कहलाता है। अब आपने डेफिनेशन तो पढ़ ही ली है, अब हम इसका एक उदाहरण के साथ इस चीज़ को समझेंगे कि क्या चीज़ है ये। पहला हमारा उदाहरण है अनुपात 3:4, 8:12, 24:27 का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। कैसे, मिश्र अनुपात यही होता है कि तीनों को डिवीजन फॉर्म में लिख दो, जैसे 3/4 गुणा कर देना है 8/12 गुणा 24/27, इस टाइप से लिख देना है। इनको आपस में हमें गुणा मतलब काट के फाइनल एक वैल्यू निकालनी है, वो होता है मिश्र अनुपात। ठीक है, यानी तीन वैल्यूज़ भी गिवन हो सकती है, इससे आगे भी और भी वैल्यूज़ गिवन हो सकती है, सिंपल सा ये निकालना। तो इनको जब काट के इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4:9 या 4:9। अब अगला पॉइंट है हमारा वर्गानुपात, यदि किसी अनुपात का वर्ग करके नया अनुपात बनाया जाता है तो वह वर्गानुपात कहलाता है, मतलब किसी का वर्ग निकालना हो। तो उदाहरण दूसरा देखिए, अनुपात 3:5 का वर्गानुपात लिखिए, कैसे लिखा जाएगा, 3/5 लिख देना है,
उसका स्क्वायर कर देना है, यानी वर्ग कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आ जाएगा आंसर? 9:5। ठीक है, फिर से देख लीजिए, वर्गानुपात में क्या करते हैं, वर्गानुपात में कोई भी वैल्यू हो उसका हम कर देते हैं स्क्वायर, यानी कि वर्ग। कहीं अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि इस वैल्यू का वर्गानुपात करना है, तो इसी टाइप से होगा। नीचे वाला पॉइंट देखिए, घनानुपात, और यदि किसी अनुपात का घन करके नया अनुपात बनाया जाता है तो वह घनानुपात कहलाता है। कैसे? उदाहरण नंबर तीसरा देखिए, 2:3 का घनानुपात कीजिए। अब इसे क्या निकालते हैं हम? घन निकालते हैं इसका, यानी कि क्यूब। कोई भी वैल्यू गिवन हो, 2/3 ब्रैकेट में लिखिएगा, उसका निकाल देना है क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो इसका घनानुपात क्या हो जाएगा? 8:27। फिर से देख लीजिए, कोई भी वैल्यू गिवन हो उसका हमें निकाल देना है क्यूब, अगर घनानुपात निकालने को कहा जाता है तो। ठीक है, क्यूब निकालो, सॉल्व करो, और आंसर जो आता है वो हो जाएगा उसका घनानुपात। नीचे वाले देखिए, वर्ग मूलानुपात, यानी कि देख लीजिए पहले डेफिनेशन, यदि किसी अनुपात का वर्ग मूल करके नया अनुपात बनाया जाता है तो वह वर्ग मूलानुपात कहलाता है। यानी कोई भी अगर आपके पास वैल्यू है, अनुपात गिवन है, उसका अगर हम वर्ग मूल निकालते हैं तब वह वैल्यू हमारी कहलाती है वर्ग मूलानुपात। अब कैसे है, उदाहरण देख लीजिए पहले नीचे वाला, उदाहरण नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? अनुपात 25:64 का वर्ग मूलानुपात ज्ञात करो। तो वैल्यूज गिवन है, उसको कैसे लिख देना है? 25/64 इस फॉर्म में लिख देना है। वर्ग मूल कैसे निकालते हैं? क्या कहते हैं? अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट निकाला तो 25 का अंडर रूट आ गया 5, 64 का अंडर रूट आ गया 8, तो आंसर आ गया 5:8। फिर से देख लीजिए, अगर कोई वैल्यू का आपको कहते हैं वर्ग मूलानुपात निकालना, तो सीधी सी बात है, वैल्यू लिखो, उसका निकाल दो अंडर रूट, यानी वर्गमूल। वर्गमूल निकाला और वो उसका हो गया आंसर। अब देखिए आज का हमारा उदाहरण नंबर 5, 350 रुपये को राम और श्याम में 3:4 यानी 3:4 में बांटा जाए तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। अब वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, एक बार फिर आपके सामने रख रहा हूँ वो फॉर्मूलेज, एक बार ध्यान से देखिएगा कौन सा काम आ रहा है, ये वाला प्रथम भाग और द्वितीय भाग वाला। अभी भी वीडियो पॉज करके पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके ये फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन ए प्लस बी, एक्स मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन ए प्लस बी, लिख लो, दोनों लिख लिए होंगे आपने। अब देखते हैं हम इसका इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो उसी फॉर्मूले का ये क्वेश्चन है। तो अनुपात हमारा है 3:4, अनुपातों का योग क्या है हमारा दोनों का? 3+4, यानी नीचे जो आती है हमारी ए प्लस बी की वैल्यू वहाँ पर आ जाएगा 7, और ऊपर जो हमारी वैल्यू थी एक्स, जो ओरिजिनल वैल्यू थी 350 को, 350 को गुणा करना है, राम का हिस्सा क्या हो जाएगा? राम का क्या था हिस्सा? 3, तो 350 × 3 अपन इन दोनों का जोड़ यानी 7, यानी हो गए 150 रुपये। श्याम का हिस्सा क्या हो जाएगा? 350 × 2 अपॉन 7 यानी दोनों का जोड़, तो आंसर आ गया 200 रुपये। इसी टाइप से नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, उदाहरण नंबर 6, 2 संख्याओं का अनुपात ये है आपका 5:7 यानी 5:7 है, प्रत्येक पद में से 3 घटाया जाए तो नया अनुपात 2:3 यानी 2:3 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह गया है? 2 संख्याएं उनका अनुपात गिवन है और प्रत्येक पद में से 3 घटाया जाए तो नया अनुपात बन जाता है 2:3, तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि माना कि संख्याएं 5x और 7x है, यानी ये वाली जो रेशियो है इनको हमने मान लिया 5x और 7x। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये? दोनों में से हमें 3 घटाना है, तो 5x-3 7x-3, तो किसके बराबर हो जाएगा? 2:3। इस फॉर्म में हमने इसे लिख दिया है, देख लेना आराम से। फिर हम निकालते हैं वैल्यू इसकी, यानी 3 इधर चला जाएगा ऊपर गुणा की तरफ और ये चली जाएगी वैल्यू इस साइड। ठीक है, तो 3 जब इस पूरे से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 15x और 3 3 9, ये जब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 7 2 14x और 3 2 6, तिरछा गुणा करने पर। ठीक है, आगे लिख भी रखा है, तिरछा गुणा करना है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यूज एक साइड ले लो और नंबर्स हमें एक साइड लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, तो संख्याएं मतलब एक्स की वैल्यू आ गई है। अब एक्स की वैल्यू को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे, क्योंकि हमने लेट यहीं पे किया था 5x और 7x, तो 5 को गुणा कर देना है 3 के साथ और 7 को गुणा कर देना है 3 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 और 21। अब आज का हमारा अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, समानुपात है। यदि 2 अनुपात बराबर हो तो वे समानुपाती कहलाते हैं। कैसे? ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हिंट दिया भी था, a:b = c:d, या फिर इसे हमें कैसे लिखते हैं? a/b = c/d, या फिर इसे कैसे लिख देंगे?
ए को मल्टीप्लाई करते हैं डी के साथ और बी को मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ, इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, ठीक है। और इन तीनों में से जैसे चार वैल्यूज हैं, चारों राशियों को अलग अलग क्या कहते हैं, राशियाँ ए बी सी डी को क्रमश क्या कहेंगे, ए को क्या कहेंगे, प्रथमानुपाती यानी पहली वैल्यू है, उसी टाइप से आगे कंटिन्यू होता रहेगा, बी को द्वितीयानुपाती, सी को कहेंगे तृतीयानुपाती, और नीचे देख लीजिए डी को कहेंगे चतुर्थानुपाती। मतलब इन चारों के अलग अलग नाम हैं, इनमें से कभी भी कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है। और कुछ और नीचे और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मध्य के दोनों पद, दो मध्य के पद कौन से होंगे, बी और सी, ऊपर जैसे ये वाला है तो मध्य के पद कौन से हो जाएंगे, बी और सी। मध्य के दोनों पद बी व सी को मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं, यानी बीच की वैल्यूज है तो उन्हें कहेंगे मध्यानुपाती, ठीक है। यहाँ अगर प्रत्येक की एक एक वैल्यू निकालनी है तो ए निकालेंगे, ए निकालनी हो मतलब चार में से कोई एक निकालनी हो हमें और तीन वैल्यू गिवन हो तो कैसे निकालेंगे, अगर ए निकालनी है तो बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी, बी निकालना हो तो ए मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी, सी निकालना हो तो ए मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन बी, और डी निकालना हो तो बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी। ये आप खुद भी कर सकते हो, इतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, वैल्यूज गिवन होनी चाहिए बस। उदाहरण नंबर सात देखिए, हम इसे पूरा समझ लेते हैं। यदि 3:x प्रोपोर्शन यानी समानुपात 12:20 हो तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखो चार वैल्यूज गिवन है तो a b c और d, हमें निकालना है b, तो मैंने क्या कहा था, अगर b निकालना है तो a मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन सी, तो a मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन सी यानी 3 × 20/12, सीधा सा है आंसर आ गया 5। अब देखिए दोस्तों हमारा उदाहरण नंबर 8, इसमें हमें क्या कह रहा है, 8, 14, 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि चारों के अलग अलग नाम होते हैं, कोई भी एक वैल्यू आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो माना कि चतुर्थानुपाती क्या है, एक्स है, तो चौथे वैल्यू की जगह हम एक्स लिख लेंगे और सीधा सा एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 14 × 16/8। फॉर्मूले आपको पीछे दिखाए थे, इजी है, कुछ नहीं करना, एक की वैल्यू रखनी है ए बी सी और डी, और अगर हम डी की वैल्यू निकालते हैं तो करते हैं बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन ए, तो बी मल्टीप्लाई बाय सी हो गया आपका और अपॉन हो गया ए, तो इसी टाइप से हो गया, आंसर आ गया इसका 28। अब देखिए दोस्तों हमारा उदाहरण नंबर 9, निम्नलिखित का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी इस वैल्यू का हमें क्या करना है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन है हमारे पास इसके अंदर, दो पार्ट में ए और बी, दोनों ही मैं अलग अलग दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा, जो आपको सुटेबल लगे अच्छा लगे वो आप देख लेना। पहला क्वेश्चन 6, 54, यानी माना कि मध्यानुपाती एक्स है, मान लिया कि मध्यानुपाती इसका एक्स है तो इस फॉर्म में इसको लिख देंगे 6:x/54 लिख दिया, और यहाँ से एक्स और एक्स निकालना है हमें, दो एक्स होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 6x = x/54, तो एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से 54 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x² = 6 × 54, इसका आंसर आ गया 324, ठीक है। तो x = 324 हो गया, तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटा तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट, तो आंसर आ गया इसका अंडर रूट का 18, ठीक है। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए जिसमें शॉर्ट है, शॉर्ट ट्रिक के साथ है, 9/25 और 16/9, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, फिर से मैं आपके सामने वही चीज़ रखता हूँ, आपको याद आ जाएगी। ये मैंने आपको आपको बताया था, दिए गए दो अनुपातों x = y का मध्यानुपाती उनके गुणनफल का वर्गमूल होता है। अगर कोई वैल्यू दो गिवन है उनका मध्यानुपाती निकालना है तो क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करो और वर्गमूल यानी अंडर रूट निकाल दो डायरेक्टली, यानी ये इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दो वैल्यू गिवन है, दोनों को क्या करना है, इस फॉर्म में लिख देना है, यानी अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, और पहली वैल्यू हमारी हो गई एक्स, दूसरी वैल्यू हो गई हमारी वाई, तो दोनों को गुणा करो, गुणा किया जब 9 से 9 कट गया, 16/25 बचा, तो अंडर रूट 16/25 का आंसर आ गया। 16 का अंडर रूट होता है 4, 25 का अंडर रूट होता है 5, यानी उस फॉर्म से भी कर सकते थे, ये डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आ गया 4/5। अब अगला टॉपिक देखिए दोस्तों हमारा वित्तानुपात है, यदि राशियाँ ए बी सी डी इस टाइप से कुछ गिवन है तो इस प्रकार को ही a/b = b/c, c/d और d/e इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि b से b नीचे वाली जो वैल्यू है वो अगली वैल्यू वैल्यू में कॉमन है, इस टाइप से यहाँ पे अगर नीचे c है तो अगली वैल्यू ऊपर वाली भी c होगी, यहाँ पे अगर नीचे वाली वैल्यू d है तो ऊपर वाली वैल्यू भी d होगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये चीज़ है।
अब इसको हम देखते हैं उदाहरण से। उदाहरण नंबर 10 में देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। राशियां गिवन आपको 3, 4, a वितत अनुपाति है, तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, दे रखा है तीनों वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्म में लिखना है हमें, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c, यानी नीचे वाली वैल्यू और अगली वाली वैल्यू में एक कॉमन होता है, यानी 3/4 इज इक्वल टू 4/a, यानी ये वाली इसकी नीचे वाली और इसकी ऊपर वाली हमारी सेम रखनी है हमें इस टाइप से। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इस साइड चला जाएगा ऊपर की साइड मल्टीप्लीकेशन में, तो बन जाएगा 3a। 4 इस साइड चला जाएगा तो 4 × 4 हो जाएगा 16, इस फॉर्म में 3a इज इक्वल टू 16। तो ए क्या हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा तो 16/3। एक और इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण नंबर 11, यदि एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू 4:9 तथा वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 5:8 है, तो एक्स रेशियो जेड का मान क्या होगा। वैल्यू सीधी सी है, एक्स रेशियो जेड निकालना है, तो इसको हम पहले लिखते हैं एक्स अपॉन वाई और मल्टीप्लाई पर करते हैं वाई अपॉन जेड। तो वाई से वाई कैंसिल हो, तो बचा क्या, एक्स अपॉन जेड, ये बचा। तो अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक्स अपॉन जेड को हम क्या लिखते हैं, एक्स रेशियो जेड, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू की वाई, यानी इसका एक्स हमारा 4 है, इसकी वाई की वैल्यू हमारी 5 है, तो 4 × 5 रेशियो, और यहाँ की पहले वाले की वाई यानी 9 और दूसरे वाले की जेड यानी 8, 9 × 8 करना है, और 4 × 5 हो गया 20, 9 × 8 हो गया 72। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 5:5:18 होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात पे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके स्क्रीन के बीच में गेट सक्सेस 247 का लोगो आ रहा होगा, उसे क्लिक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, किया हुआ नहीं है तो, अगर किया हुआ तो अच्छी बात है। तो दोस्तों मिलते हैं इवनिंग वाले करंट जीके के वीडियो में।